ओम शांति। ओम शांति। वाणी चल रही थी। The वाणी that was being narrated. 26 जून 1968 का प्रातः क्लास। Was the morning class dated 26th June 1968. तीसरे पेज के मध्याद्धि में बात चल रही थी। The topic being discussed in the beginning of the middle portion of the third page was ईश्वरीय प्रसाद तुम बच्चों को मिलता रहता है। You children keep receiving the godly prasad blessings. ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। This is a yajna created by God. तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। So you keep receiving godly prasad. और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। And this prasad is so important that it becomes yours for many births. प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। Joy is called prasad. और ये प्रसन्नता का प्रसाद And this prasad of joy रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है। Is obtained only through the Rudra Gyan Yajna, that is the Yajna of the knowledge of Rudra. क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। Because Rudra himself comes and sits in this one and creates the Rudra Gyan Yajna. आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। He creates the Rudra Gyan Yajna after coming. कहाँ से आते हैं? From where does he come? परमधाम से तो और रुद्र नहीं आता है। रुद्र does not come from the supreme abode. क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। Because the one who assumes a fierce form, रौद्र रूप, is called रुद्र। परम धाम से तो शिव आता है जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। It is Shiv who comes from the supreme abode. The name of his point, that is soul itself, is Shiv. शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। When the bodies change, the names also keep changing. शिव तो कल्याणकारी है। शिव इज बेनेवोलेंट। और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? व्हाई डज ही टेक अ फियर्स फॉर्म? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है। इट इज बिकॉज इन द किंगडम ऑफ रावण रावण राज्य द वर्ल्ड अंडरगोस सच डिग्रेडेशन कि रुद्रावतार गाया हुआ है। That the incarnation of Rudra is famous. इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। This is why when Shiv changes body, the name changes. नाम पड़ता है रुद्र। He gets the name Rudra. जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। Which is called Rudra Gyan Yajna. यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ। Its seed was sown in the very beginning of the yajna. और आदि में भी बीज रूप स्टेज धारण करके रौद्र रूप भी धारण किया। And even in the beginning, he took a seed form stage as well as a fierce form. इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। This Rudra Gyan Yajna is also called a study. तो रुद्र शिव बाबा ही है। So शिव बाबा himself is Rudra. जो ज्ञान का सागर है। The one who is an ocean of knowledge. उसने ही यह यज्ञ रचा है। He himself has created this yajna. ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है।
दिस इज नॉट अ मेटीरियल यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। इट इज अ यज्ञ ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने के लिए रचा है। इट हैज बीन क्रिएटेड टू गिव नॉलेज। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अक्षर बिल्कुल ठीक है। सो दीज वर्ड्स रुद्र ज्ञान यज्ञ आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, लिटरली राजस्व रूल ओवर सेल्फ, अश्वमेध अ वैदिक हॉर्स सैक्रिफाइस, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ इम्पेरिशेबल यज्ञ ऑफ नॉलेज ऑफ रुद्र। हियर रुद्रस इम्पेरिशेबल यज्ञ ऑफ नॉलेज टू अचीव सेल्फ रूल बाय गेनिंग विक्ट्री ओवर अवर हॉर्स लाइक माइंड। स्वकाराज्य लेने के लिए यज्ञ रचा गया है। दिस यज्ञ हैज बीन क्रिएटेड टू अचीव द रूल ओवर द सेल्फ स्वराज्य। तो स्वकाराज्य पाना है। सो वी हैव टू अचीव सेल्फ रूल। समझ में आता होगा इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड अयज्ञ। यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। ऑफरिंग्स आर मेड इन द यज्ञ। वह लोग जो आहुति डालते हैं, व्हेन दोज पीपल गिव ऑफरिंग्स, वो तो स्थूल आहुतियां डालते हैं। दे पुट मटेरियल ऑफरिंग्स, बहुत कुछ डालते हैं। दे पुट मेनी थिंग्स, जो भी डालते हैं सारा ही कीचड़ पट्टी। व्हाटएवर दे पुट आर ऑल वेस्टफुल थिंग्स। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। यू स्टडी नॉलेज, आहुति क्यों डालते हो। व्हाई डू यू पुट ऑफरिंग्स, क्योंकि तुम जानते हो कि हम पढ़ करके जब होशियार हो जाएंगे। बिकॉज यू नो व्हेन वी स्टडी एंड बिकम क्लेवर, तो सारी ये कीचड़ पट्टी की दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ गार्बेज विल बी सैक्रिफाइस्ड इन इट। यज्ञ जब रचते हैं तो पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है आखिरी आहुति में सब डाल देते हैं। When a yagya is organized, whatever material remains in the end is put in the last ahuti, burnt offering. उसे शंकर की आहुति माना जाता है। It is considered as an offering of Shankar. अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको बाप पढ़ाए रहे हैं। Now you children know that the father is teaching us. अब पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। Well, a mouth is needed to teach. तो कौन से मुख से पढ़ाते हैं? So, through which mouth does he teach? अभी बाप हमको पढ़ाते तो है ना? Now, the father teaches us, doesn't he? परंतु बाप तो बहुत साधारण है। But the father is very ordinary. इतना साधारण है कि मनुष्य जान नहीं सकते। He is so ordinary that human beings cannot know. मनुष्य बेचारे क्या जाने? How can the people, the poor fellows know? दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी तो बहुत महिमा होती है। The big personalities of the world are praised a lot. और बाप देखो कितना साधारण बैठा हुआ है। And look, the father who is sitting is so ordinary. तो मनुष्यों को कैसे पता लगे? So, how can people know? और यह दादा तो जवाहरी था। And this dada was a jeweler. ये तो बड़ा आदमी था। This one was a big personality. फिर भी शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। Even so, no power is seen.
सिर्फ इतना ही कह देते हैं, इनमें कोई शक्ति काम कर रही है, बस। दे जस्ट से देर इज सम पावर वर्किंग इन देम, दैट इज ऑल। ये नहीं समझते हैं कि इनमें सर्वशक्तिवान बाप है। They do not understand that the Almighty Father is present in them. तो बाप गुप्त वेश में आते हैं। So the Father comes in a secret form. परंतु इनमें गुप्त शक्ति है। But there is a secret power in these ones. और वो भी आई कहां से? And where did that too come from? वो शक्ति तब आई जब बाप ने प्रवेश किया। That power came when the father entered. तो बाप का जो खजाना है वो ऐसे थोड़े ही देते हैं। So the father does not give his treasure simply. तुम सारा खजाना योग बल की शक्ति से लेते हो। You obtain the entire treasure through the power of yoga, yog bal. योग किसे कहा जाता है? What is yog? योग माना लगन, लगाव, attachment. Yog means devotion, attachment. जितना जिसका attachment होता है, बाप के साथ लगाव होता है, लगन होती है। The more someone has attachment with the father, the more someone is devoted. उस लगन के आधार पर उसे शक्ति मिलती रहती है। He keeps receiving power on the basis of that devotion. और जन्म जन्मांतर की शक्ति मिलती है योग बल से। And the power for many births is received through the power of yoga. क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है ही। Because he is indeed almighty. और उनकी शक्ति कहीं चली नहीं जाती है। Moreover, his power does not go anywhere. परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है? Why is the supreme soul called almighty? क्यों गायन है सर्वशक्तिमत्ता का? Why is the state of being almighty, सर्वशक्तिमत्ता, praised? ये भी कोई जानते नहीं है। Nobody knows this either. क्योंकि स्वदर्शन चक्र देहधारी कृष्ण को दे दिया है। Because the bodily being Krishna has been given the Swadarshan Chakra, the discus of self-realization. और वह कृष्ण उस चक्र से क्या करते हैं? And what does that Krishna do with that chakra? दिखाते हैं सभी का गला काटते रहते हैं। It is shown that he keeps cutting everybody's neck with it. तो क्या भगवान बाप बैठे हिंसा करते हैं? So, does God the Father indulge in violence? ये तो देह अभिमान रूपी दुंब है जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। This is body consciousness in the form of a tail which is attached to the soul. तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से देह अभिमान का गला काट दिया। So it is shown in the path of bhakti, devotion, that the neck of body consciousness was cut with the discus of self-realization. सिख लोगों ने भी स्वदर्शन चक्र को कॉपी किया है। Sikhs have also copied the Swadarshan Chakra. लड़ते हैं तो चक्र से गला काट देते हैं। When they fight, they behead others with the discus. तो भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र हथियार के रूप में समझ लिया है। So, in the path of bhakti, Swadarshan Chakra has been considered as a weapon. वास्तव में ये कोई स्थूल हथियार नहीं है। Actually, it is not a physical weapon. इसका नाम ही है स्वदर्शन चक्र। Its very name is Swadarshan Chakra. स्व माने आत्मा। स्व मीन्स द सोल। दर्शन माने देखना।
दर्शन मीन्स टू ऑब्जर्व. चक्र माने 84 का चक्र. चक्र मीन्स द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स. 84 के चक्र में अपनी आत्मा की स्थिति को देख लेना, भाप लेना. टू ऑब्जर्व टू रियलाइज द स्टेज ऑफ आवर सोल इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स. रावण ने चक्कर चलाए दिया काम कटारी का. रावण हर्ड द डिस्कस ऑफ द डैगर ऑफ लस्ट काम कटारी. तो वो भी कटारी हथियार समझ लेते हैं. सो दे टू थिंक इट इज अ डैगर अ वेपन. ये सभी प्रकार की हिंसक निशानियां रख दी हैं. दे हैव डिपिक्टेड दीस वेरियस काइंड्स ऑफ वायलेंट सिंबल्स. बाप तो आकर समझाते हैं. द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स. हिंसा तो बाहुबलियों का काम है. दैट वायलेंस इज अ वर्क ऑफ दोज विद फिजिकल पावर. और तुम तो डबल अहिंसक हो. बट यू आर डबल नॉन वायलेंट. स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो. यू नीदर इंडल्ज इन फिजिकल वायलेंस. और काम कटारी की हिंसा भी नहीं करते हो. Nor in the violence through the dagger of lust. तो बाप आकर सभी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं. So the father comes and explains everything. He teaches. ये भी बताते हैं. He also says कि मैं आकर जिसमें प्रवेश करता हूँ, इनमें तो देह अभिमान की पूरी कट चढ़ी हुई है. The ones in whom I come and enter are completely covered by the rust of body consciousness. Puri mane? Auron mein to percentage kam hai. Completely means the percentage of body consciousness is less in others. Lekin inki to percent sabse jaasti hai. But the percentage of body consciousness in these ones is maximum. इसलिए इनमें कहा. This is why it was said in them. इसमें भी नहीं कहा. It was not said in this one. इस षष्ठी रूपी रंगमंच के दो ही मुख्य पार्ट धारी हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में. There are only two main actors on this world drama stage. In the form of a hero and a heroine. ये मुख्य आत्माएं हैं. These are the main souls. राम और कृष्ण की आत्माएं हैं. These are the souls of Ram and Krishna. आदि के जन्म में ये 100% सतु प्रधान बनती हैं. In the first birth, they become 100% सतु प्रधान, meaning consisting in the quality of goodness and purity. और अंतिम जन्म में 100% तमो प्रधान भी बनती है. And in the last birth, they also become 100% तमो प्रधान, dominated by darkness or ignorance. तो इनमें ही मैं प्रवेश करता हूँ. So I enter only in them. किस रूप में प्रवेश करता हूँ? In which form do I enter? ये षष्ठी रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन ही माता पिता हैं. The hero and heroine of this world stage themselves are the mother and the father. तो एक में माता के मृदुल रूप में प्रवेश करता हूँ. So in one I enter in the soft form of a mother. और दूसरे में कठोर रूप में प्रवेश करता हूँ. And in the other I enter in a strict form. इसलिए दिस इज वाई त्रिमूर्ति के चित्र में इनकी बैठक ही देखो कैसी दिखाई गई है. जस्ट लुक हाउ ही हैज बीन शोन टू बी सिटिंग इन द पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति. ब्रह्मा की बैठक लीनियंसी के रूप में दिखाई गई है. ब्रह्मा इज शोन टू बी सिटिंग लीनियंटली. और शंकर की बैठक स्ट्रिक्ट रूप दिखाया गया है. एंड शंकर हैज बीन शोन टू बी सिटिंग इन अ स्ट्रिक्ट फॉर्म. ये भी बताते हैं. ही आल्सो टेल्स अस कि ये पराया देश है. दैट
दिस इज एन एलियन प्लेस। पराए शरीर में इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। आई कम इन द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स ऑफ दिस वन इन एन एलियन बॉडी। और कट जो चढ़ी हुई है वो कट तो कोई भी उतार नहीं सकता सिवाय एक सतगुरु के। एंड नोबडी एक्सेप्ट वन सतगुरु कैन रिमूव द कट दैट इज रस्ट दैट कवर्स अस। कट उतारने वाला एक ही गुरु है। देयर इज ओनली वन गुरु हु कैन रिमूव दैट रस्ट। बाकी तो सब नंबर वार झूठे हैं। The rest are number wise false. उनको सतगुरु नहीं कह सकते। They cannot be called सतगुरु। वो बाप absolutely पवित्र है। That father is absolutely pure. अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। There is not even a trace of impurity. और ये बात भी तुम बच्चे समझते हो। And it is you children who understand even this. क्या? What? जो सन्मुख बैठे हुए तुम बच्चे जिनको कहा गया वो ही समझ सकते हैं। Only those who are sitting face to face, those who are addressed as you children can understand. जो बाप के बच्चे नहीं बनते those who do not become the father's children, सन्मुख होकर नहीं रहते do not remain face to face, क्योंकि सन्मुख होना भी दो प्रकार का है। because being face to face is also of two kinds. एक है देखने का सन्मुख। one is being face to face in a visible, that is physical sense. सामने बैठे हुए हैं। They are sitting face to face. और एक है अंदरूनी सन्मुख। And one is face to face internally. अंदर से भी सन्मुख। Face to face internally too. मन मन के संकल्पों में भी कोई विपरीत संकल्प नहीं चलता है। It means that no opposite thought is created even in the mind. संकल्प मात्र भी अगर विपरीत संकल्प चलते हैं, इवन एट द लेवल ऑफ थॉट्स इफ ऑपोजिट थॉट्स अराइज, तो इससे साबित होता है कि राम कृष्ण वाली आत्माओं के साथ पूर्व के 63 जन्मों में कहीं ना कहीं विपरीत कर्म किए हैं। It proves that you have performed some opposite actions somewhere or the other in the past 63 births against the souls of Ram and Krishna. Abhi, shooting ki reel ghumti hai. Now, the reel of the shooting is rotating. Us reel mein sabko apna apna pata pad jata hai. In that reel, everyone comes to know about himself. कि हमारे अंदर बाप के बरखिलाफ कितने संकल्प आते हैं। How far thoughts against the father emerge in my mind? कोई कोई तो विपरीत वाचा भी चला देते हैं। Some even speak words against the father. जिसके लिए बाप कहते हैं। For that the father says. कि श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। The versions spoken against the Srimat should be considered as coming from the Ravan community. ऐसी बरखिलाफ बातें करने वाले राम संप्रदाय नहीं हो सकते। Those who speak such opposite words cannot belong to the Ram community. Act करना ये तो और ही खराब हो गया। Performing opposite acts is much worser than that.
परंतु ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। बट इट रिक्वायर्स टाइम टू मेक दिस सिट इन समवन्स इंटेलेक्ट। तुम बच्चों को तो बाप सभी कुछ समझाई देते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू योर चिल्ड्रन। किन बच्चों को? विच चिल्ड्रन? तुम बच्चों माने जो अंदर बाहर से सन्मुख होकर बैठते हैं। यू चिल्ड्रन मीन्स दोस हु सिट फेस टू फेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। बाप बच्चों को सब कुछ विल कर देते हैं। द फादर विल्स एवरीथिंग टू द चिल्ड्रन। ज्ञान का सागर है। He is an ocean of knowledge. तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं रखते। So he does not keep any point of knowledge with himself. शांति का सागर है। Even as an ocean of peace. तो भी पूरा अर्पण करते हैं। He surrenders everything. सारा विल कर देते हैं बच्चों को। He wills everything to the children. और सभी कुछ समझाते हैं। And he explains everything. बताते हैं कि इन पर पूरी कट चढ़ी हुई है। He tells us that these ones are completely covered by rust. इनमें ही आते हैं। He comes only in these ones. और पुरानी दुनिया में आते हैं। And he comes in an old world. इस पुरानी दुनिया में सभी पतित हैं। Everyone is sinful in this old world. ये भी बताते हैं। He even tells us this. परंतु सबसे जास्ती पतित कौन है? But who is the most sinful one? है? जो सबसे जास्ती पतित बनता है 63 जन्मों में। The one who becomes the most sinful one in 63 births. उसको कहते हैं बड़े ते बड़ा कामी कांटा। He is called the biggest lustful thorn. उसको ही आके बड़े ते बड़ा king flower कमल का फूल बनाते हैं। He comes and makes that very one the biggest king flower, the lotus flower. और यह बात बाप ही आकर के बतलाते हैं। And the father himself comes and tells us this. औरों में इतनी शक्ति नहीं है जो इतनी सच बात बता सके। Others do not have so much power to narrate truth to such an extent. मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ। I enter only in that chariot. उसे कह के दूर क्यों कर दिया? Why did he make him distant? By using the word that chariot? हैं? जब वाणी बोल रहे थे तो इस रथ कहना चाहिए। When the vani was being narrated, he should have said this chariot. इस रथ का ये पार्ट नहीं है जो इतनी सच्चाई से बोल सके। It is not the part, meaning role, of this chariot to speak the truth to such an extent. मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ। I enter only in that chariot. जो सरेआम बाजार ये बोल देता है कि बड़े ते बड़े काम ही कांटे में शिव बाप आते हैं। Who publicly says that the father Shiv comes in the biggest lustful thorn. जिस रथ में आते हैं। The chariot in which he comes. वो सृष्टि के आदि में कल्प के आदि में हीरे जैसा था। Was like a diamond in the beginning of the creation, in the beginning of the kalp. अभी वो ही संग के रंग में आते आते कौड़ी जैसा बना है। Now the same chariot has become like a cowrie shell by being colored by the company. और जो कौड़ी जैसा बना है। And the one who has become like a shell, वो भले इस समय करोड़पति बन जाता है। It may well be that he becomes a crorepati.
मिलियनेयर एट दिस टाइम। परंतु बनाने वाला कौन है? बट हु इज द मेकर? और वो हद का करोड़पति बनाता है या बेहद का करोड़पति बनाता है? एंड डज ही मेक हिम अ मिलियनेयर इन अ लिमिटेड सेंस और डज ही मेक हिम अ मिलियनेयर इन एन अनलिमिटेड सेंस? बेहद ज्ञान रत्नों का करोड़पति है। ही इज अ मिलियनेयर ऑफ द अनलिमिटेड जेम्स ऑफ नॉलेज। हद का करोड़पति तो अल्पकाल के लिए बनते हैं। वी बिकम मिलियनेयर्स इन अ लिमिटेड सेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो भी हद के करोड़पति हैं वो सभी खलास हो जाएंगे। ऑल द मिलियनेयर्स इन अ लिमिटेड सेंस विल पेरिश। बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। इट इज यू हु बिकम वर्थ अ पाउंड। और तुम ही बाप के स्टूडेंट हो। एंड ओनली यू आर द फादर्स स्टूडेंट्स। तुम भी स्टूडेंट हो और ये भी स्टूडेंट है। You are students as well as this one is a student. कौन? Who? ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। This Brahma Baba is a student as well as you are students. क्योंकि ये ब्रह्मा भी बहुत जन्मों के अंत में होने के कारण इस पर बहुत कट चढ़ी हुई है। Because of being in the last birth of many births, this Brahma is also covered by a lot of rust. जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनमें ही बहुत कट चढ़ती है। Those who study very well are themselves covered by a lot of rust. समय समय का फेर है। It is a matter of time. तो वही फिर सबसे जास्ती पतित बनते हैं। Then they themselves become most sinful. उनको ही फिर पावन बनना है। They themselves have to become pure again. तो ये ड्रामा बना हुआ है। So this drama has been made. ये कहते हैं। This one says. मैं ही हूँ जो सबसे जास्ती पावन बनता हूँ। आई एम द वन हु बिकम्स द प्योरेस्ट। फिर 84 जन्मों के बाद सबसे पतित भी बनता हूँ। देन आई आल्सो बिकम द मोस्ट सिंफुल वन आफ्टर 84 बर्थ्स। तो बाप रियल बातें बताते हैं। सो द फादर टेल्स अस रियल थिंग्स। छुपाते कुछ भी नहीं है। ही डज नॉट हाइड एनीथिंग। क्योंकि बाप ही सत्य है। Because the father alone is truth. वो सत्य बाप that true father कब उल्टी बात नहीं बतलाते हैं। Never tells us anything wrong. और ये सच्ची बातें भी मनुष्य तो समझ नहीं सकते। And people cannot understand even these true things. तुम बच्चों को पता पड़ जाता है कि ये सच्ची बात है। You children come to know that this is the truth. तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्यों को कैसे पता पड़े? How can people other than you know? वो मनुष्य तो कहते हैं इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो? Those people ask, why do you call these ones Brahma? इनमें परमात्मा ने क्यों प्रवेश किया? Why did the supreme soul enter these ones? ये बात अभी तुम समझते हो। Now you understand this. क्यों प्रवेश किया? Why did he enter them? क्योंकि इनका ही ईगो हीरोइन का पार्ट है। Someone said because they themselves play the part of hero and heroine. इसलिए प्रवेश किया कि जैसे हद की सृष्टि होती है। He has entered them because just as there is a world in a limited sense, तो बीज रूप बाप
बीजारोपण माँ के द्वारा ही करता है। द सीड फॉर्म फादर सोज द सीड थ्रू द हेल्प ऑफ द मदर ओनली। माँ ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है पहले। द मदर इज हर सेल्फ रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन फर्स्ट। तो गायन है भक्ति मार्ग में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सो इट इज फेमस इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यू आर माय मदर एज वेल एज फादर। माता के पाठधारी में ही प्रवेश करना पड़े। एट फर्स्ट ही हैज टू एंटर द वन हु प्लेस द पार्ट ऑफ अ मदर। माता ही पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। इट इज द मदर हु इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन फर्स्ट। बाप तो प्रत्यक्ष नहीं होता। द फादर इज नॉट रिवील्ड। बच्चा जब बड़ा बने, सगीर हो, तो बाप को पहचाने। When the child grows up, when he attains adulthood, he can recognize the father. तो परमात्मा इनमें ही नंबरवार प्रवेश करते हैं। So, the supreme soul enters only these ones number wise. बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए। To reveal himself before the children. और ये बात तुम बच्चे ही अभी समझते हो। And only you children understand this now. 26 जून 1968 की वाणी का चौथा पेज। The fourth page of the vani dated 26th June 1968. ये भी जानते हो कि ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। You also know that the Brahmin clan is the highest of all. कि देवता कुल ऊंचा है। Or is the deity clan the highest? ब्राह्मण कुल क्यों ऊंचा है? Why is the Brahmin clan the highest? ब्राह्मण तो दुखी भी होते हैं और ब्राह्मण सुखी भी होते हैं। Brahmins become sorrowful as well as happy. और ब्राह्मण तो नंबरवार भी होते हैं। And Brahmins are number wise as well. कोई कम कुरी के ब्राह्मण है। Some are Brahmins of a lower category. कोई पूरे 18 विश्वा के ब्राह्मण। And some are Brahmins who own a full 18 biswa, that is measure of land area, Brahmins of higher category. लेकिन बोला कि तुम्हारा ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। But it was said your Brahmin clan is the highest of all. तुम्हारा क्यों कहा? Why was it said your? क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। It is because the father teaches you. जिनको बाप नहीं पढ़ाते, those whom the father doesn't teach, वो माँ को ही बाप समझ लेते हैं। Consider the mother herself to be the father. परंतु माँ कोई रियल में बाप तो नहीं होती। But a mother is not a father in reality. रियल में तो तुम ब्राह्मण बनते हो पक्के। In reality. You become firm Brahmins, जो पक्के देवता बनते हैं 84 जन्म लेने वाले। Those who become firm deities, who take 84 births, और ब्राह्मण जीवन से ही कन्वर्ट होकर के पक्के देवता बन जाते हैं। And convert to become a firm deity in the Brahmin life itself. अगले जन्म में नहीं। Not in the next birth. इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हैं। They change from a man. To Narayan in this very birth. तो तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे हो गए ना? So you are the direct children of the father, aren't you? उनको डायरेक्ट बच्चे थोड़े ही कहेंगे। They will not be called the direct children. भले सतयुग का पहला नारायण है। Although he is the first Narayan of the golden age. वो godfather बाप का डायरेक्ट बच्चा थोड़े ही है। He is not the direct child of God the father. वो किसका बच्चा है? Whose child is he? वो तो नारायण का बच्चा है। He is the child of Narayan. देवता का बच्चा है। He is the child of a deity. तुम तो किसके बच्चे हो? Whose children are you? भगवान बाप के बच्चे हो। You are the children of God the Father.
देवताओं को ऊंचते ऊंचे नहीं कहा जाता है। डीटीज आर नॉट कॉल्ड द हाईएस्ट ऑन हाई। भगवान बाप तो ऊंचते ऊंचे है। गॉड द फादर इज इंडीड द हाईएस्ट ऑन हाई। तो तुम रूहानी बाप के बच्चे हो। यू आर चिल्ड्रन ऑफ द स्पिरिचुअल फादर। बाकी तो सब है जिस्मानी। ऑल द रिमेनिंग वंस आर फिजिकल फादर्स। क्योंकि 84 जन्म में सब जिस्म धारण करते हैं। बिकॉज एवरीवन टेक्स बॉडीज इन द 84 बर्थ्स। तो बाप उन रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सो द फादर टीचेस दोस स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। जिनको बाप बच्चे बच्चे कह करके बैठ पढ़ाते हैं। होम द फादर एड्रेसेस एज चिल्ड्रन एंड टीचर्स। जिनको पढ़ाते नहीं है सन्मुख, उनको बच्चे कैसे कहेंगे, मेरे बच्चे। हाउ कैन दोस हु आर नॉट टॉट फेस टू फेस बी कॉल्ड चिल्ड्रन माई चिल्ड्रन। क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द फादर एट ऑल। तुम बच्चे तो श्रीमत पर चलते रहते हो। यू चिल्ड्रन कीप फॉलोइंग द श्रीमत। श्री श्री कहा ही जाता है बाप को। द फादर हिमसेल्फ इज रिफर्ड टू एज श्री श्री। तुम बाप को पहचानते हो तो उनकी मत को मानते हो। यू रिकॉग्नाइज द फादर सो यू एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। शिव बाबा इसमें बैठ करके मनवाते रहते हैं। शिव बाबा सिट्स इन दिस वन एंड मेक्स यू एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। क्या मनवाते रहते हैं। व्हाट डज ही मेक यू एक्सेप्ट। श्रीमत की बात तुम बच्चों को समझा करके मनवाते रहते हैं, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ही एक्सप्लेन्स द श्रीमत टू यू चिल्ड्रन एंड मेक्स यू एक्सेप्ट इट। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपल्शन इन इट। ओ बाप तो करनहार भी है और करावनहार भी है। द फादर इज द डूअर करनहार एज वेल एज द वन हु मेक्स द अदर्स डू द टास्क करावनहार। जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं। व्हाटएवर ही डज इज ट्रू। कल्याणकारी करते हैं। बेनेवोलेंट। इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड सत्यम शिवम सुंदरम। और बच्चों से कराते भी हैं। एंड ही आल्सो इनेबल्स द चिल्ड्रन टू परफॉर्म एक्शंस। कुछ खुद करते हैं और कुछ कराते भी हैं। He himself performs actions to some extent and also makes the children do actions to some extent. खुद किसके द्वारा करते हैं? Through whom does he do them, the actions, himself? ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं। He himself acts through Brahma. और कराते किसके द्वारा हैं? And through whom does he have them done? शंकर स्वरूप के द्वारा कराने वाले भी खुद हैं। He himself has them done through the form of Shankar. वो डायरेक्ट स्वरूप है बाप का। He is the direct form of the father. वो इनडायरेक्ट स्वरूप है माँ का। He, Brahma, is an indirect form of the mother. बाकी प्रैक्टिकल में तुम अभी समझते हो। As for the rest, it is you who understand now practically. वो बच्चे Those children जो सन्मुख नहीं है, who are not face to face, वो समझते नहीं है, do not understand the knowledge. समझ को ज्ञान कहा जाता है। Understanding is called knowledge. इसलिए बाप कहते हैं, this is why the father says, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। I especially like the knowledgeable children. तो प्रैक्टिकल में तुम ही समझते हो, दूसरी की तो कोई चीज है ही नहीं। सो ओनली यू अंडरस्टैंड इट इन प्रैक्टिकल। इट इज नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू अदर्स। और शरीर तो पुराना ही लेना है। एंड द बॉडी दैट इज टू बी अडॉप्टेड इज इंडीड ओल्ड। क्योंकि वनवासी है। बिकॉज ही इज अ फॉरेस्ट ड्वेलर वनवासी। और तुम भी वनवासी हो। And you are also forest dwellers.
उन्होंने शास्त्रों में दिखाया हुआ है. They have shown this in the scriptures. चाहे महाभारत हो, whether it is the Mahabharat, चाहे रामायण हो, whether it is the Ramayana, कि राम को वनवास हुआ. It is shown that Ram had to stay in the forest. पांडवों को वनवास हुआ. The Pandavas had to stay in the forest. तो तुम वानप्रस्थ में जाने वाले हो ना? So you are the ones who go into vanprastha, meaning stage of retirement from worldly life to live in a forest, aren't you? वानप्रस्थी कहो वा वनवासी कहो. Call yourself vanprasthi or call yourself vanvasi. बात एक ही है. It is one and the same. क्योंकि वानप्रस्थ में ही वाणी से परे जाकर के वास करना होता है. Because it is only in the vanprastha stage that you have to go and live beyond the stage of speech. इसलिए तुम वनवासी हो. This is why you are vanvasi. कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो तुम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हो. If someone speaks rubbish, you listen through one ear and leave it through the other. सुना अनसुना कर देते हो, जैसे कि हमने सुना ही नहीं. You don't listen even on listening. You act as if you didn't hear at all. वनवासी हो ना? You are forest dwellers, aren't you? शादी होती है तो भी वनवास में बैठते हैं. Even when someone is married, they sit like in a forest. वनवा में बैठते हैं ना? They sit in vanva, don't they? It is a part of the custom of marriage that before her wedding, the bride is made to wear old clothes and stay very simple like a person staying in forest. जाना तो चाहिए स्वर्ग में. In fact, they should go to heaven. वनवास में बैठने के बाद, After sitting in vanvas, जब शादी होती है तो बाद में जाना चाहिए स्वर्ग में. When they are married, they should go to heaven. सुख की दुनिया में जाना चाहिए. They should go to a world of happiness. परंतु वह तो और ही नरक में गिर जाते हैं. But they fall deeper into hell. भले कोई बड़े बड़े घर के होते हैं, Although some belong to a family of high status, उनको भी पुराने कपड़े आदि पहना करके वनवास में बिठाते हैं. They too are made to wear old clothes and made to sit like in a forest. वनवा में बिठाते हैं ना शादी से पहले? They are made to sit in vanva before marriage, aren't they? तो ये भी तुम जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बड़े बड़े आदमी हो. So, you two are great personalities who are going to become kings for many births. तुमको स्वर्ग में जाने से पहले वनवास में बिठाते हैं. You are made to lead a forest life before going to heaven. जंगल में जाने वाले को वनवासी कहते हैं. The one who goes to a jungle is called a forest dweller. जंगल में तो कांटे ही कांटे होते हैं कि फूल होते हैं. Are there just thorns in a jungle or are there flowers? कांटे ही कांटे, फूल बहुत कम. There are just thorns and very few flowers. तो बाप क्लियर करके समझाते हैं. So the father explains clearly. कि वो जो शादी रचते हैं, शादमाना करते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं? Where do those who perform marriages organize functions take you? और तुम कहाँ जाते हो? And where do you go? तो देखो बाप समझाते कैसे हैं? So, look, the father explains in such a way. और ये ही समझने की मुश्किल आते है. And this is the difficulty to understand. आत्मा बोल रही है. The soul is speaking. तो आत्मा किस में बोलेगी? So how will the soul speak? स्पीकर में बोलेगी क्या? Will it speak through the speaker, that is mic?
जानवर आदमी तो बोल नहीं सकती, इट कैन नॉट स्पीक थ्रू एन एनिमल एटसेट्रा. मनुष्य में ही आकर के बोलेंगे. ही विल स्पीक ओनली बाय कमिंग इन अ ह्यूमन बीइंग. मनुष्य में आकर के क्यों बोलेंगे? व्हाई विल ही स्पीक बाय कमिंग इन अ ह्यूमन बीइंग. जानवर आवाज नहीं करते हैं क्या? डोंट द एनिमल्स मेक साउंड. आवाज तो करते हैं. दे डू मेक साउंड. लेकिन जानवरों को मन बुद्धि नहीं होती और मनुष्यों को तो मन बुद्धि होती है, समझने के लिए, सोचने के लिए, मंथन करने के लिए. बट एनिमल्स डू नॉट हैव अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड टू थिंक एंड टू चर्न. जो बात सोच समझ के धारण की जाती है उसमें सफलता मिलती है. एनीथिंग विच इज एसिमिलेटेड आफ्टर थिंकिंग एंड चर्निंग लीड्स टू सक्सेस. तो बाप जानवरों में थोड़े ही प्रवेश करेंगे. सो द फादर वोंट एंटर एनिमल्स. उन्होंने तो शिव के मंदिर में बैल दिखाई दिया है. दे हैव डिपिक्टेड अ बुल इन द टेंपल ऑफ शिव. बैल तो जानवर होता है. द बुल इज एन एनिमल. बाप जानवर में आवेंगे समझाने के लिए क्या? Will the father come in an animal to explain? बाप खुद कहते हैं. The father himself says. मैं absolutely clear हूँ. I am absolutely clear. मेरे में कोई प्रकार की खाद नहीं है. There is no kind of alloy in me. कोई विकार नहीं है. There is no vice. और मैं सदैव पवित्र हूँ. And I am always pure. जिन में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, उनके लिए नहीं कह सकते कि वो सदैव क्लियर हैं, सदैव पवित्र हैं. It cannot be said about the one in whom I come, the one in whom I enter, that he is always clear, that he is always pure. हाँ. Yes. उनको आकर के अपवित्र से पवित्र बनाता हूँ. I come and transform him from an impure one to a pure one. जिसके लिए तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन बाप आओ. For which you call me, O purifier of the sinful ones, come. बाकी मैं सारे विश्व का सुनार हूँ. Well, I'm the goldsmith for the entire world. जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी शरीरधारी हैं. All the human beings, all the living beings, all the bodily beings. सब में धातु मिक्स हो गई है. Have been polluted with alloy. जैसे प्योर सोने में चांदी की खाद, तांबे की खाद, लोहे की खाद डालते हैं ना. For example, the alloy of silver, the alloy of copper. The alloy of iron is mixed with pure gold, isn't it? ऐसे ही सबके शरीर विकारी हो गए हैं. Similarly, everyone's bodies have become vicious. आत्मा भी विकारी और शरीर भी विकारी बन गए. The souls as well as the bodies have become vicious. अभी मैं आत्मा को बिल्कुल पवित्र बनाए देता हूँ. Now I make the soul completely pure. तो मैं पक्का सुनार हूँ. So I am a skilled goldsmith, पक्का सुनार. और धोबी भी हूँ. And I am a washerman, धोबी as well. धोबी क्या करता है? What does a washerman do? हाँ? अरे, धोबी कपड़े धोता है. अरे, a washerman washes clothes. अभी तुम आत्मा को समझ गए हो. Now you have understood the soul. वो धोबी जो होते हैं, वो तो स्थूल शरीर के कपड़ों को धोते हैं. Those washermen wash the clothes of the physical body. मैं तो ऐसा धोबी हूँ. I am such a washerman. जो तुम्हारी आत्मा का 84 जन्म का पतित से पतितमो प्रधान कपड़ा है, उसको भी धो करके जाता हूँ. Who washes even the most sinful and degraded cloth of the 84 birth of the soul? इसे एक ही जन्म में
तुम्हारा कपड़ा सतो प्रधान बनाई देता हूँ। आई मेक योर क्लॉथ प्योर इन दिस बर्थ इटसेल्फ। ऐसे नहीं कहते कि अगले जन्म में कपड़ा धोकर दे दूंगा। आई डू नॉट से दैट आई विल वॉश योर क्लॉथ इन द नेक्स्ट बर्थ। ऐसी पढ़ाई भी नहीं पढ़ाते। आई डू नॉट इवन टीच सच नॉलेज। पढ़ने वाले स्टूडेंट को ऐसे कहेंगे कि यहाँ इस जन्म में पढ़ेंगे और अगले जन्म में उच्च पद पावेंगे। Will students say we will study here in this birth and achieve a high post in the next birth? कोई धोबी को मानेगा जो धोबी ये कहे कि कपड़े छोड़ जाओ अगले जन्म में तुम्हें नया कपड़ा मिल जाएगा? Will anyone believe a washerman if the washerman says leave your clothes, you will get new clothes in the next birth? तो बाप पक्का धोबी है। So the father is a skilled washerman. अभी तुम्हारी आत्मा समझ गई है, तुम तो डायरेक्ट नरसे नारायण जैसे बनते हो। Now your soul has understood that you change directly from a man to Narayan. तो शरीर भी तुमको पवित्र मिलता है। So you also get a pure body. और इसी जन्म में, इसी दुनिया में तुमको यह पवित्रता धारण करनी है। And you have to inculcate purity in this birth itself, in this world itself. ये पांच तत्वों का चोला अभी इसी जन्म में पवित्र बनाना है। The body of five elements has to be made pure now in this birth itself. नहीं तो विश्व परिवर्तनकारी कैसे कहे जावेंगे? Otherwise, how can you be called world transformers? ये तो जानते हो कि आत्मा ही सभी बातें ग्रहण करती है। You know that it is the soul that absorbs all the things. सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आत्मा ही पार्ट बजाती है। It is the soul that plays its part from the golden age to the end of the iron age. तो रंगमंच पर भिन्न भिन्न कपड़े धारण करती है। So it takes different clothes, meaning bodies, on the stage. तुमने 84 जन्मों में 84 कपड़े धारण किए। You have taken 84 clothes, meaning bodies in 84 births. 84 जन्मों का पार्ट है ना? There is a part of 84 births, isn't there? तो जितनी आत्मा पवित्र है उतना शरीर भी पवित्र मिलता है। So we get a pure body to the same extent that our soul is pure. आत्मा की पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। Everything depends on the purity of the soul. ये सभी बातें बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। The father sits and explains all these things to the children. परंतु इन बातों को समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना? But time is required to understand all these things, isn't it? जम दे जाम दे तो नहीं हो सकता। You cannot rule as soon as you are born. हथेली पर आम तो नहीं उगाया जा सकता। Trees cannot be grown on the palm. प्रदर्शनी में कोई थोड़े समय के लिए आवेंगे। People will come to the exhibition for a short period. तो वो क्या समझेंगे? So what will they understand? इसमें तो फुर्सत का टाइम चाहिए। Leisure time is required in this. आ करके समझे। They should come and understand कि मनुष्य से देवता विश्व का मालिक कैसे बन सकते हैं? How they can change from a human being to a deity or become the master of the world? जो आज तक कोई ने भी नहीं बनाया, वो भगवान बाप आकर के कैसे बनाते हैं? How God the Father comes and makes what nobody else made till today? बाप कहते हैं, The father says, हे आत्माएं, अभी इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र नहीं हो। ओ सोल्स, यू आर नॉट प्योर इन दिस लास्ट बर्थ। तब तो 63 जन्मों में तुम पवित्र बनने के लिए बुलाते रहे। ओनली देन हैव यू बीन कॉलिंग मी इन द पास्ट 63 बर्थ्स टू बिकम प्योर। अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। नाउ यू हैव टू बिकम प्योर वंस अगेन। और ये बात
बाप ही बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं। एंड ओनली द फादर एक्सप्लेन्स दीज थिंग्स बाय एड्रेसिंग यू एज चिल्ड्रन। तुम तो कोई को बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे ना, यू वोंट एड्रेस एनीवन एज अ चाइल्ड विल यू, क्योंकि तुम तो आपस में भाई भाई हो। बिकॉज यू आर ब्रदर्स अमंगस्ट योरसेल्व्स। बाप बच्चे बच्चे कह करके बात करेंगे। द फादर विल टॉक बाय एड्रेसिंग यू एज चिल्ड्रन। तो बच्चों को बाबा का झट तीर लग जाएगा। सो बाबास एरो विल हिट द चिल्ड्रन इमीडिएटली। बाप ही बच्चों को कह सकते हैं कि तुमको लज्जा नहीं आती है। ओनली द फादर कैन टेल द चिल्ड्रन डोंट यू फील अशेम्ड। इतना समझाने के बावजूद भी तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। डिस्पाइट एक्सप्लेनिंग सो मच कांट यू रिमेम्बर द फादर। योग योग अक्षर कहते रहते हो। You keep uttering the word योग। तो बाबा समझ जाते हैं। So बाबा understands। ये तो अभी ज्ञान में बहुत कच्चे हैं। That day children are still very weak in knowledge। है? योग कहने से कच्चे कैसे? अरे how can they be weak just by uttering the word योग? योग समझ की बात है या याद समझ की बात है? Is the word yog something to be understood or is the word yad something to be understood? क्यों? Someone said yad. Why? याद उसको किया जाता है जिसको कभी अनुभव किया जाता है। Someone with whom you have had an experience is remembered. आँखों से देखा है, कानों से सुना है। Someone whom you have seen through the eyes, heard through the ears. हाथों से स्पर्श किया है, touched through the hands. तो इंद्रियों से जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है ना? So whatever is experienced through the organs is remembered, isn't it? कि उसे योग कहेंगे? Or will it be called योग? है? आँखों से जो देखते हैं तो कोई कहता है हमको योग लग गया। After seeing something, does anyone say that he has been in yoga? ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। These are practical issues. और ये प्रैक्टिकल जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। And you have been doing this in practice for many births. बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में पलता है तो माँ को ही याद करता है। A child is born. When he grows up in the mother's lap, he remembers the mother only. बड़ा होता है, बाहर निकलता है, संगी साथियों के खेल साथ खेलता है। When he grows up, comes out of the house, plays with the friends. तो रात दिन उनके ही सपने आते हैं। He sees them in his dreams day and night. संगी साथियों को याद करता है। He remembers his friends. और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है। And when he grows up further, he goes to school, he goes to college. तो टीचर से याद आते हैं। He remembers the teachers. शादी हो जाती है। When he gets married, तो साथी याद आता है। He remembers his companion. याद आता है, यही तो अनुभूति होती है ना? He remembers them, all those people. This is the experience he has, isn't it? ये तो नहीं कहता कि योग लग गया। He does not say that he has established yog. तो बच्चे योग योग अक्षर क्यों कहते रहते हैं? So why do children keep uttering the word yog? ये तो सन्यासियों का शब्द है। This is the word of sannyasis. क्या? योग। What? योग। उनका तो ज्ञान ही इम्प्रैक्टिकल है। Their knowledge itself is impractical. और बाप का ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, समझने की चीज है। And the father's knowledge is practical. It is something to understand. योग अक्षर सन्यासियों आदि का सुना हुआ है। The word yog has been heard from sannyasis etc. वो तो हठ योगी है जो योग आदि लगाते रहते हैं। They are hatha yogis, meaning those who perform rigorous
physical exercises, who keep doing yoga, that is asanas, etc. उनका तो शारीरिक योग है. Theirs is a physical yoga. यहाँ तो बाप को याद करना है. Here you have to remember the father. शरीर तो याद नहीं करता. The body does not remember. याद करने वाली कौन है? आत्मा है ना. Who remembers? It is the soul, isn't it? कहेंगे फलाना टीचर हमको पढ़ाता है. People say that teacher teaches us. तो वो टीचर याद आता है ना. So the teacher comes to the mind, doesn't he? यहाँ तुमको पढ़ाने वाला टीचर कौन है? Who is your teacher here? जिसमें प्रवेश करते हैं वो देहधारी पढ़ाने वाला है. Does the bodily being in whom he enters teach you? यह पढ़ाने वाली आत्मा है. Or does the soul which has entered teach you? पढ़ाने वाली तो आत्मा है. The teacher is the soul. जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो खुद ही पढ़ने वाला है. The one in whom he enters is himself a student. तो टीचर याद रहता है. So the teacher remains in the mind. कोई नहीं कहता होगा कि हमारा टीचर के साथ योग है. Nobody would say, I have yoga with the teacher. भारत में योग के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं. People rack their brains a lot for yoga in India. तुमसे भी पूछते हैं. People ask you as well. कुछ आइडिया बताओ. Give us some idea to do yoga. युक्ति बताओ. Tell us some method. अब ब्रह्मा कुमारियों से डरते भी बहुत हैं. Well, people also fear the Brahma Kumaris a lot. क्योंकि तुम मौत ही मौत चिल्लाती रहती हो. Because you keep shouting only about death. मौत आया कि मौत आया, विनाश होने वाला है. Death is about to come. Destruction is about to take place. तुम तो जानते हो कि हम तो बाबा के पास मरने के लिए जाते हैं. You know that we go to Baba to die. बाबा हमको मरना सिखाते हैं. Baba teaches us to die. मरना कौन चाहता है? Who wants to die? मरना माने देहभान छोड़ना. Dying means leaving body consciousness. आत्माओं को अपना शरीर छोड़ करके घर जाना है. Souls have to leave their body and go home. तो मरना सीखना पड़े ना. So you have to learn to die, shouldn't you? शरीर छोड़ करके घर जावेंगे. Will you go home after leaving the body? या शरीर रहते रहते ही ऐसी स्टेज को पाना है? Or do you have to achieve such a stage while being in the body itself? है? शरीर रहते रहते ही जो इस स्टेज को पावेंगे वो ही परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे. Only those who achieve this stage while being in the body will bring the supreme abode to this world. नहीं तो इस शरीर में आत्मा के रहते रहते परमधाम की और सुखधाम की स्टेज का अनुभव नहीं कर सकेंगे. Otherwise, they cannot experience the stage of the supreme abode and the stage of the abode of happiness while the soul is present in the body. तो बाप आते ही हैं मौत देने के लिए. So the father comes only to give death. वो सन्यासी लोग तो ऐसी शिक्षा दे ही नहीं सकते. Those sannyasis cannot give such teaching at all. कि मौत किसको पसंद आ जावे. That people may start liking death. ये तो बड़ी मुश्किल बात है. It is a very difficult thing. तुम अभी कोशिश करते हो कि हम जल्दी जल्दी जावे अपने परम धाम. Now you try to go to your supreme abode soon. परंतु अभी जा नहीं सकते हो सिवाय कर्मातीत अवस्था के. But you cannot go now without achieving the कर्मातीत stage, meaning stage beyond the effect of actions. बुद्धि में कर्मातीत अवस्था को पा करके हम घर जावेंगे. We will go home after achieving the कर्मातीत stage in the intellect. क्योंकि 63 जन्म हम भटके हैं. Because
वी हैव वॉन्डर्ड फॉर 63 बर्थ्स। अभी हम जल्दी घर जावे। नाउ वी शुड गो होम फास्ट। हमारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है। There is a lot of burden of sins of 63 births on our head. तो जितना याद करेंगे, So the more we remember God, उतना बोझा उतरेगा। The more we will be relieved of the burden. आत्मा की कट उतरती जाएगी ना? The cut that is rust of the soul will continue to be removed, will it not? तो पक्का समझ लो। So understand for sure कि ज्ञान में आने के बाद That after entering the path of knowledge, बाप को पहचानने के बाद after recognizing the father, अगर कोई पाप कर्म किया if you commit any sin, तो फिर उसका 100 गुना दंड हो जाता है then you will accumulate 100 times punishment. 63 जन्मों में तो जो पाप करते थे in case of sins that you used to commit in the 63 births, उसका 1 गुना ही पाप चढ़ता था You used to accumulate only one time sin. और बाप को पहचानने के बाद And after recognizing the father, अंजाम करने के बाद After making a promise, अगर पाप करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ता है If you commit sins, then you will accumulate 100 times punishment. अगर ऐसे पाप करते रहे If you continue to commit such sins, तो ज्यादा बोझ 63 जन्मों का कहा जाएगा या इसे 1 जन्म का कहा जाएगा Then will you be said to be carrying more burdens of the 63 births or of this one birth? क्योंकि यहाँ तो 100 गुना चढ़ जाता है Because here you accumulate 100 times punishment. तुम कहते तो हो कि हमको इस ईश्वरीय पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनना है यू डू से वी हैव टू बिकम दिस लक्ष्मी नारायण थ्रू दिस स्टडी ऑफ गॉड वो लोग तो तुम्हारी बात सुन करके कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स दोस पीपल से दैट दिस इज योर इमेजिनेशन ऐसे क्यों कह देते हैं व्हाई डू दे से सो है दुनिया हमारी बातों को क्यों नहीं मानती व्हाई डजंट द वर्ल्ड बिलीव आवर वर्ड्स क्योंकि दुनिया वालों को हमारी कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है बिकॉज पीपल ऑफ द वर्ल्ड सी अ डिफरेंस बिटवीन आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस तुम बोलते भी हो अरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि बनते हैं तो ये कोई कल्पना है क्या यू ऑल्सो से अरे व्हेन समवन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर अ प्रेसिडेंट etc. Then is it imagination? पढ़ाई से ही तो बनते हैं। They become that only through studies, don't they? ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। This is also a study, a divine study from God. हम भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। We too are studying the divine knowledge. तो हम क्यों नहीं नरसे नारायण जैसे बनेंगे? So why will we not be transformed from a man to Narayan? लेकिन एक होता है पढ़ना। But one is to study. समझना मानना To understand, to believe. और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना चलना And to implement it, to follow it in the practical life. एक होता है पढ़ना पढ़ाना तो बहुत One is to study and teach a lot. लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जीरो But what about the practical life? Zero. तो उस दुनिया की पढ़ाई में तो ऐसा हो सकता है सो इट कैन बी पॉसिबल इन द स्टडीज ऑफ दैट आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ तो कथनी में और करनी में एक बनना पड़े बट हियर यू हैव टू रिमेन द सेम इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस ये सृष्टि का चक्र भी फिरता है दिस वर्ल्ड साइकिल ऑल्सो रोटेट्स ये कोई कल्पना थोड़ी है दिस इज नॉट इमेजिनेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या ये कल्पना है पीपल स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इज इट इमेजिनेशन ऐसे बहुत अक्षर बोलते हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते दे आर द मेनी वर्ड्स व्हिच दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि कल्पना का अर्थ क्या है व्हाट इज मेंट बाय इमेजिनेशन जो बुद्धि में आया वो बना दिया
दे मेड वट एवर केम टू देयर इंटेलेक्ट. तो देखो ऐसे ऐसे भी आते हैं, अब उनसे हम क्या बात करें. सो लुक सच पीपल ऑल्सो कम, वेल वॉट कैन वी टॉक टू देम. बाप कोई से गुस्सा भी तो नहीं कर सकते. द फादर कैन नॉट इवन बिकम एंग्री विथ एनी वन. अगर गुस्सा करते हैं तो बाप की निंदा करेंगे. इफ ही बिकम्स एंग्री विथ समवन दे विल डिफेम द फादर. इनको भी डर रहता है. दीज वंस ऑल्सो फियर. किनको? हु? रामकृष्ण की आत्माओं को भी डर रहता है. द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा ऑल्सो फियर. कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे भी करने लग पड़ेंगे. वट एवर एक्शन आई परफॉर्म अदर चिल्ड्रन विल ऑल्सो सी मी एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट. मैं क्रोध करूंगा तो और बच्चे भी मुझे देख करके ऐसे करेंगे. इफ आई बिकम एंग्री देन अदर चिल्ड्रन विल ऑल्सो ऑब्जर्व मी एंड एक्ट सिमिलरली. तो तुमको भी ये बात समझनी है फिर समझानी है. सो यू टू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन एक्सप्लेन. अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओके गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू द चिल्ड्रन. ओम शांति.